हाल ही में बांग्लादेश में हुए तख्तापलट और सियासी उठापटक के बाद यहां पर हिंसा और ज्यादा बढ़ गई है। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद ही हिंसा और भयानक दौर पे पहुंच गई है। लगातार हिंदुओं पर और अल्पसंख्यकों पर जुल्म हो रहे हैं, हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में भारत में भी तमाम नेता इसको लेकर खुलकर बयान देते नजर आ रहे हैं। इस सब के बीच भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने भी बांग्लादेश में हुए हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर अपनी चुप्पी तोड़ी है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने अत्याचारों को लेकर खुलकर अपनी बात कही, लेकिन चंद्रशेखर आजाद इस ट्वीट के बाद लोगों के बीच ट्रॉल हो गए हैं। लोगों ने उन पर निशाना साधना शुरू कर दिया है और उनको ही खरी खोटी सुना दी है। आखिर इस सब के पीछे की वजह क्या है वो आपको बताते हैं। दरअसल आजाद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की जिसमें उन्होंने लिखा, बांग्लादेश में धार्मिक अल्पसंख्यकों खासकर भारतीयों पर लगातार हमला हो रहा है, ये बर्दाश्त के योग्य नहीं है। भारत सरकार कुछ ठोस निर्णय ले, पूरा देश निर्णय के साथ खड़ा होगा। हमारी पार्टी हर प्रकार के शोषण अत्याचार के खिलाफ जाति धर्म लिंग भाषा क्षेत्र और बंधन से ऊपर उठकर अपनी आवाज बुलंद करेगी। दुनिया में कहीं भी किसी भी भारतीय पर अत्याचार आजाद समाज पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी, जिसके बाद चंद्रशेखर आजाद ट्रोल हो गए। दरअसल सोशल मीडिया यूजर्स ने चंद्रशेखर आजाद की इस पोस्ट पर खूब कमेंट्स किए और उनको खरी खोटी सुनाने लग गए। एक यूजर ने लिखा, आपसे ज्यादा हिम्मती और निडर तो मायावती जी हैं। वहाँ किस धार्मिक अल्पसंख्यक पर अत्याचार हो रहा है ये आप भली भांति जानते हैं, फिर भी एक वर्ग विशेष के वोट के लालच में आप खुलकर बोलने से बच रहे हैं। यूजर ने अपनी इस पोस्ट के साथ ही एक ट्वीट भी मायावती का शेयर किया जिसमें मायावती ने लिखा है कि बांग्लादेश में हो रहे हिंदू समाज और अन्य अल्पसंख्यक, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म या वर्ग के हों, उन पर पिछले कुछ दिनों से लगातार हिंसा अति चिंताजनक और दुखद है। इस मामले को लेकर केंद्र सरकार गंभीरता से और उचित कदम उठाए, वरना इनका ज्यादा नुकसान ना हो जाए। इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस, यूपी।